सत्कारयोग ब्रेन ऑन टीवी दे सरोते साहबान ते जसपाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी पंजाब दे जिहड़े एग्जिट पोल दे प्रेडिक्शंस आईयां उस दे उत्ते थोड़ी बहुती गलबात करांगे ताकि आपां सुचेत हो जाइए कि आने वाला वक्त पंजाब दे लई किस किस्म दा है। उस लई थोड़ा बहुता मैंटली तैयार भी होना चाहीदा, उहनू समझ भी लेना चाहीदा, उहदे ते जे माड़ा मोटा एक्शन होवे उह भी लै लेना चाहीदा। तो एग्जिट पोल्स दे जो प्रडिक्शनज़ आईयां तकरीबन सारियां उह ये प्रडिक्ट कर रही हैं भी आम आदमी पार्टी पोल्स स्वीप करन जा रही है, मतलब 50 तो लैके 100 तक इस किस्म दियां प्रडिक्शनज़ आईयां भी। कोई तो कह रहा 50 आउणगियां उहनां नूं सीटां, कोई कह रहा 60 आउणगियां, कोई 70 कह रहा, कोई 75 कह रहा, कोई 100 भी कह रहा है। तो जे आपां मतलब बाय एंड लार्ज एवरेज सारी चीज़ की लीए तो लगता यह है शायद आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ उह सरकार अपने बलबूते ते ही सरकार बना लेगी। तो इस संदर्भ दे विच पंजाब दे नाल की वापरन वाला है, पंजाब दे नाल की होण वाला है, आम आदमी पंजाब दे विच केड़ा किस किस्म दा सारा सवीकरण लैके आएगा जिहदे नाल पंजाब दे लोकां नूं जिहड़े बहुत लंबे अरसे तो दुखांत भोग रहे आ उहनां नूं कोई थोड़ी बहुती राहत मिलेगी या सालवेशन मिलेगी। तो उस दे उत्ते एक स्टेटमेंट आई आ कुछ दिन पहला, 8-10 दिन पहला केजरीवाल साहब ने एक स्टेटमेंट दित्ती आ कि जदों साडी सरकार बनी पंजाब दे विच ता सरकारी अदारियां ते सरकारी दफ्तरां दे विच दो ही फोटोआं लगणगियां, एक भगत सिंह दी लगेगी, दूसरी डॉक्टर अंबेडकर साहब दी लगेगी। तो वह गल बड़ी मतलब अजीबो गरीब जी गल है क्योंकि ऑलरेडी जिहड़ियां फोटोआं पंजाब दे अदारियां दे उत्ते या दूसरे पासे सरकारी दफ्तरां दे विच लगदी आ या तो दरबार साहब दी लगदी आ या लगती है महाराजा रणजीत सिंह दी। दरबार साहब सानू पता भी मानवता का केंद्र आ, उत्थे सरबत दे भले दी अरदास हुंदी है 24 घंटे और उत्थे किसे किस्म दा किसे नाल डिस्क्रिमिनेशन हुंदा नहीं, कोई किसे किस्म दा पक्षपात हुंदा नहीं, भुख्यां नूं भोजन मिलदा, रहण वालियां नूं राहत मिलदी आ, हर किस्म दीआं सहूलतां बगैर इस गल नूं जाने पछाने भी कौन किहड़ी जात दा, कौन किहड़े धर्म दा, कौन किहड़े खिते दा, कौन किहड़ी जबान दा। तो उसे ही आधार दे उत्ते जिहड़ा रणजीत सिंह दा राज आ उह भी उसे उन्हां कदरां कीमतां ते ही मतलब एस्टेबलिश होया और चलिया 40 साल। अज BBC ने एस्टेबलिश कर दिता 5000 इतिहासकार अपॉइंट करके कि दुनिया दे 3000 दे इतिहास दे विच जिहड़ी सिविलाइजेशन दा 3000 साल दा इतिहास आ उस दे विच जे एक सही ढंग दा जिस दे विच हर मनुख नूं इंसाफ मिलिया, न्याय मिलिया, जे कोई राज होया उह रणजीत सिंह दा राज होया दुनिया दे विच, कल्ले हिंदुस्तान दे विच नहीं, कल्ले भारत दे विच नहीं, सारी दुनिया दे विच सब तो बेहतरीन राज जिस दे विच किसे नाल कोई धक्का ना होया होवे, किसे नाल कोई पक्षपात ना होया होवे, किसे नूं मजबूर ना कीता होवे भी तूं भाई अपना धर्म बदल ला, हर बंदे नाल इंसाफ, न्याय, दया, इक्वैलिटी, फ्रटर्निटी सारियां चीज़ां जिहड़ियां बड़े हायर प्रिंसीपल्स आ मानवता दे ओ उत्थे एग्जिबिट होया प्रैक्टिकल सेंस दे विच। तो हुण मैनू समझ नहीं आउंदी, मैं थोड़ा इतिहास दा विद्यार्थी हाँ, मैनू समझ नहीं आउंदी कि केजरीवाल साहब नूं किस किस्म दा कोई तकलीफ आ या कि चीज़ उन्होंने चुभदी आ जिस दे नाल वह दरबार साहब की तस्वीर उठा के या रणजीत सिंह की तस्वीर उठा के। मैनू कोई इतराज़ नहीं, मैनू कोई गिला नहीं, मैनू कोई शिकायत नहीं डॉक्टर अंबेडकर साहब दे नाल, उन्होंने बड़े उच्चे क्वालिटी के प्रिंसीपल सी खास तौर पर कास्ट इंस्टीट्यूशन के उत्ते, उन्होंने उही गल बड़े जोर नाल की, बड़ा बड़ा उन्होंने प्रापेगंडा किया सारे मुल्क दे विच
जेड़ा जेड़ी गल गुरु नानक देव महाराज ने जात पात नूं खंडन करन दे विच कीती सी और उस दे अगेंस्ट उन्होंने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए सी, गुरुद्वारे का इंस्टीट्यूशन आ जिस दे विच बगैर जात पात तो कोई बंदा आ सकदा। अज वाद साडा एक ही साढ़े ही इंस्टीट्यूशन आ जिन्हां दी पैरवाई उस वर्ग के लोग कर रहे हैं, चाहे श्री अकाल तख्त साहब आ या कोई होर वड्डे अदारे आ। तो मेरा मतलब कहने का यह है, एक केड़ी गल है केजरीवाल साहब नू मतलब पौंदी नहीं, मैनू नहीं पता उन्होंने मन दे विच की है, उन्होंने मानसिकता दे विच की आ, उन्होंने भावनावां दे विच की आ, पर जिहड़ी ये स्टेटमेंट है ये बड़ी मतलब सटल स्टेटमेंट है। ये बहुत सारिया मोटिवेशनस हैं जिहड़ियां मैं अपने पंजाब दे स्रोतियां नू थोड़े राही पेश करना चाहुंदा। हुण गल है केजरीवाल साहब ते आपां, क्योंकि केजरीवाल साहब बहुत बड़ा रोल निभाउण आ रहे पंजाब दी सियासत दे विच। दो किस्म दे अंग्रेजी दे विच रूलर हुंदे आ, एक डी फैक्टो हुंदे आ, एक डी ज्यूरो हुंदे आ। डी ज्यूरो उह हुंदे आ जिन्हां दे नां दे उत्ते हुंदी जिहड़ियां सरकारां चलदियां, डी फैक्टो उह हुंदे आ जिहड़े इन एक्चुअल प्रैक्टिस हुंदे आ, जो मतलब सरकार दे चेहरा नहीं उन्हों का होंदा पर सरकार की जिहड़ी सारी पिछोकड़ आ उस दे विच उन्हां दी ही जिहड़ी मर्जी है, उन्हां दीआं ही भावनावां जिहड़ियां चलाईआं जांदीआं। तां जिहड़े केजरीवाल साहब आ उह पंजाब दे विच डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर दे तौर ते अपना रोल निभाउणगे, इहदे विच मैनू कोई शक नहीं। और खास तौर ते जिहड़े पंजाब दी सियासत नूं समझदे आ, सूझवान बंदे आ, उह वी इस गल दी उन्हां नूं रियलाइजेशन आ कि पंजाब दे विच जाहे देखण नूं भगवंत मान चीफ मिनिस्टर होवे पर पिछे जिहड़ी स्पिरिट होएगी वह केजरीवाल साहब दी ही होएगी। केजरीवाल साहब दीआं भावनावां, केजरीवाल साहब दे ख्यालात ही उत्थे आउणगे। हुण केजरीवाल साहब की चीज़ आ वह आपां उहनूं थोड़ा जिहा पहलां वी गल कीती आ पर थोड़ा जिहा होर डिस्कस कर लईए। केजरीवाल साहब दी जिहड़ी पार्टी आ आम आदमी पार्टी, उहदे च कोई किसे किस्म दी डेमोक्रेसी नहीं, कोई किसी किस्म की उहदे विच किसी दूसरे की कोई पुछ प्रतीत नहीं है सिवाए केजरीवाल साहब तो। केजरीवाल ही शुरू चा, केजरीवाल ही विच आ, केजरीवाल ही अखीर दे विच आ। तो उत्थे कोई किसी किस्म की इलैक्शन नहीं हुंदी, कोई उन्हां दी एग्जैक्टिव नहीं है, कोई उन्हां दी जनरल हाउस नहीं है, कोई होर किस्म दे उन्हां दे अहुदेदार नहीं, सारी चीज़ आले दुआले घूमदी आ केजरीवाल साहब दे। टोटली अथॉरिटेरियन, टोटली ऑटोक्रेटिक, टोटली सैल्फ ओरिएंटेड सिस्टम है केजरीवाल साहब का। तो असी थोड़िया बहुतियां टुटिया भज्जिया डेमोक्रेसिया छड़ के असी एक उस पाले च पैन जा रहे हैं जिस दे विच एक आदमी ही बतौर डिक्टेटर देखने नहीं लगेगा, पर इन प्रैक्टिस दे विच वो टोटली अथॉरिटेरियन होएगा, टोटली सैल्फ ओरिएंटेड होएगा, टोटली अपने आप के आले दुआले ही सारी चीज़ नू कमाएगा। तो ये हुण ये चीज़ की है, बड़ी दिलचस्प गल है कि जिहड़े केजरीवाल साहब आ मैं समझदा वो एक कल्टिश बंदे आ, उन्होंने एक कल्ट क्रिएट कर लिया। किस किस्म का कल्ट क्रिएट किया, जिवें तुसीं कहो सच्चे सौदे वाले ने, राम रहीम ने एक कल्ट आ उहदा, और वह जिहड़ा कल्ट आ उसके आले दुआले ही राम रहीम के आले दुआले ही घूमदा, चाहे उहदे ते चार्जिस मर्डर दे होण, चाहे उहदे ते चार्जिस किसी नूं इंपोर्टेंट करन दे होण, चाहे किसी नूं रेप करन दे होण, जिहड़े लोग उस दे नाल बज्जे होए आ वह उसे दे नाल ही बज्जे हुए आ। लख उस दीआं कन्विक्शन हो जाण, किन्नी देर वह जेल च चला जाए, पर जदों वह बाहर आएगा उही उहदे आले दुआले कट्टे हो जाणगे। तो इस तरीके बापू आसा राम है, इस किस्म के होर बहुत सारे यूनो कल्ट है, इस मुल्क च नहीं दुनिया के इस किस्म के कल्ट आए आ। उन्होंने इस किस्म के लोगों मैंटली ब्लाइंड फोल्ड करके, मैंटली ब्लाइंड फोल्ड करके अपने मगर ला के जो उन्होंने ख्वाहिशा सी वो पूरियां कीतियां, और उन्होंने लोगों किस तरीके कुर्बान कर दिता इसका थोड़ा जहा बयान करूँगा। तो केजरीवाल साहब मतलब इस किस्म के मतलब इंसान आ जिहड़े बड़े शातर आ, बड़े सटल है, बड़े मतलब डीप आ, जिन्हां नूं समझना बहुत ही औखा, बड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं इन्हां नूं, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ, मैनू
इस किस्म की मेरी ट्रेनिंग है कि मैं किसी बंदे नूं असैस करन लई उन्हां एनालाइज करन दे लई साडी ट्रेनिंग हुंदी है उस तरीके नाल उन्हूं एनालाइज करन दी कोशिश करदे हां। तो केजरीवाल साहब ने सारी पंजाब दी जिहड़ी ताकत आ किसे कोई होर आदमी मतलब ये गल कहे कि मेरी कोई से आ उत्थे बिल्कुल नहीं, कोई डिसेंट हो ही नहीं सकता, कोई डिफरेंस ऑफ ओपीनियन ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपीनियन भी नहीं हो सकता, केजरीवाल साहब के सामने कोई बोल नहीं सकता। इस किस्म का सिस्टम उन्होंने दिल्ली दे विच क्रिएट किया होया और उस किस्म का सिस्टम केजरीवाल साहब ने पंजाब दे विच भी बड़ी इफेक्टिवली ते बड़ी सक्सैसफुली क्रिएट कर लिया है। हुण केजरीवाल साहब कहिंदे भी मैं बहुत ईमानदार इंसान हाँ, मैनू एक गल ते शक आ उन्हां दी ईमानदारी दे उत्ते, रब करे वो ईमानदार होण, पर उन्होंने जिहड़ी एक किस्म की गल की कि जिहड़ियां पंजाब दियां सरकारी बसां हैगियां जिहड़ियां दिल्ली एयरपोर्ट ते जांदियां उन्हां नूं तां अलाउ नहीं किया, पर दूजे पासे सुखबीर बादल दियां जिहड़ियां बसां जांदियां एयरपोर्ट दे उत्ते पैसेंजर्स नूं लै के बड़े बहुत बड़े हैवी मतलब उन्होंने किराया हुंदा हैगा 2700 रुपए तक का उन्होंने किराया हुंदा, उन्होंने केजरीवाल साहब ने आराम नाल इजाजत दे दिती भी तुसीं दिल्ली दे विच उन्होंने लांघा देता आराम नाल तुसीं दिल्ली दे विचों दी जाओ ते एयरपोर्ट ते अपने पैसेंजर छड्डो ते एयरपोर्ट तो अपने पैसेंजर लै के आओ। ये बहुत वड्डा घोटाला है। हुण इस घोटाले दे पिछे की है, की कोई लैण देण होया, की उस दे विच फेवरटिज़म होई आ, तां एक गल तां एस्टेब्लिश करदा ये जिहड़ा ये जो कुछ ये घटनाक्रम होया कि केजरीवाल साहब का बादल परिवार दे नाल कोई लिंक जरूर है। उस लिंक दे पिछे की है, कि उस दे पिछे दोस्ताना है, कि उस दे विच एक दूजे की एडमीरेशन है, एक दूजे की एपरीसीएशन है, एक दूजे की एक्नोलेजमेंट आ, या कुछ लैण देण है उसका, तो वह तो केजरीवाल ही केजरीवाल साहब ही दस सकते हैं कि उन्होंने किना कारना करके पंजाब दियां सरकारी बसा नूं दिल्ली दे विचों लांघा नहीं दिता एयरपोर्ट ते जाण नूं ते एयरपोर्ट तो सवारियां लियाउण दे लई जिथे कि उन्होंने वो खुल दिती मतलब सुखबीर सिंह बादल दियां बसा नूं उत्थे जाण आउण दी। हुण इसे तरीके की गल है कि जिहड़ियां एक गल मैं कहन लग्या बड़ी मेरे दिल नूं चुभदी आ कि जदों पहली जदों आम पार्टी होंद विच आई सी तां दिल्ली दे एक बहुत सुप्रीम कोर्ट दे नामी वकील आ प्रशांत भूषण जी, बड़े नेक इंसान आ, बड़े नामी वकील आ, उन्होंने 2 करोड़ रुपया इन्हां नूं आम पार्टी नूं दित्ता सी ताकि इह अपना खर्चा वर्चा करके एक पार्टी एस्टैबलिश कर लए जिहड़ी पार्टी स्वराज दे प्रिंसीपल्स दे उत्ते आधारित होवे, जिस दे विच लोकां दी राय ली जावे, लोकां दे भले दी गल होवे, मानवता दी भलाई दी कोई गल हो सके। उन्होंने बेचारियां ने 2 करोड़ दित्ता सीगा। हुण ओह 2 करोड़ केजरीवाल साहब ने इस्तेमाल कर लिया या जो भी ओह उन्हां दा आपस दे विच आ, पर कदे ये चीज़ सामने नहीं आई कि केजरीवाल साहब ने कदे उन्हां दा धन्नवाद ही कीता होवे, कदे उन्हां नूं एक्नोलॉज ही कीता होवे प्रशांत भूषण जी नूं। मैं इत्थे एक गल कहन लग्या कि शेक्सपीयर का एक ड्रामा है जिहड़ा किंग लीयर के नाँ के उत्ते जाणिया जाता, बड़ा मशहूर आ, बहुत जिहड़े पुराने लोग आ या जिहड़े इंग्लिश लिटरेचर नाल वाकफ आ उन्होंने जरूर पढ़िया होना। उहदे विच एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन आउंदी आ जिहड़ी मैं केजरीवाल साहब ते लागू करना चाहुंदा। वह की कोटेशन आ, शेक्सपीयर कहा रहा कि ब्लो ब्लो दाई विंटर विंड, thou art not so unkind as man's ingratitude। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਸ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਦੈਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਰਫਾਨੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਨਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ
उस आदमी के एटीट्यूड के नाल जी मैं तकलीफ होंगी है वह ना बर्दाश्त है, बल्कि मैं वो जी इन्नी ठंडी हवा है, बर्फानी हवा है, चीरती हुई जिसमें जाती है उसनों बर्दाश्त कर सकता, पर किसी आदमी दे मतलब जड़ा इस किस्म का ना शुक्र गुजार हो उसका जड़ा एटीट्यूड है उसनों बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो हुण ये गल देखा जाए मानसिक तौर पर मॉरल एथिक्स में जो असी लईए केजरीवाल साहब तो घट बनता है कि वो इस किस्म के इंसान को प्रशांत भूषण वर्गे या उन्होंने जिस तरीके दिया NRIs ने अपना कारोबार लुटा के अपनी ज्वेलरियां बेच के कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की पिछली इलेक्शन दे विच, चाहे वह जित नहीं सके इलेक्शन, पर उन्होंने अपना तो बहुत तन मन तन दिता NRIs ने, खास तौर पर पंजाब के जोड़े NRI कनेडा आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अमेरिका इंग्लैंड या यूरोप के दूसरे होर दुनिया के दूसरे मुल्कों के वस रहे हैं, पर अज तक मैं कदे सुनिया नहीं, मेरे जहन के विच गल कदे आई नहीं कि केजरीवाल साहब ने कदे ये कहा होवे भी मैं शुक्रगुजार हाँ उन्होंने, आई एम थैंकफुल टू दैम जिन्होंने उस वेले मेरी मदद की। तो हुण तां खैर केजरीवाल साहब बहुत वड्डी ताकत दे विच आ, तो हुण तां किसी का शुक्रिया करन दी उन्होंने लोड़ भी नहीं है। तो हुण भी मतलब कई किस्म के इस किस्म अफवाहां चल दियां भी कि टिकटां की जिहड़ी बेचवट भी होई आ उहदे उत्ते बहुत किस्म के गल्लां बातां चलदियां, मैनू उस बारे कोई खास पता नहीं, पर मैं तो जो अफवाह चलदियां उस नूं तां अफवाह तक ही सीमित रखना चाहुंदा। गुरबाणी दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे विच जे देखिए सब तो जिहड़ा भैड़ा आदमी आ उहनूं उह कौण आ, अकिरत कण। अकिरत कण उह इंसान आ जिहड़ा ना शुक्रगुजार होवे, जिहड़ा थोड़े ते कीतियां रहमतां दा शुक्रगुजार ही ना होवे, एक्नोलेज ही नहीं करे उस नूं वो आदमी हुंदा। तो मैं नहीं कहिंदा भी केजरीवाल साहब इहो जिहा, पर उन्हां दियां जिहड़ियां इस किस्म दियां हरकतां वो जरूर इंडीकेट करदियां। तो हुण असी किस आदमी नूं डील करन जा रहे हैं 10 तरीक तो अगे चल के, तो केजरीवाल साहब पंजाब दे डी फैक्टो रूलर हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस दे विच उही पंजाब नूं राज करनगे, पंजाब नूं रूल करनगे, पंजाब दी हुकूमत चलाउणगे, बाकी तो नॉमिनल बंदे आ ना, मतलब उन्हां दा नौ ही चलेगा। तो हुण इस किस्म दे बंदे नूं डील करना बहुता सौखा नहीं हुंदा, बड़ा डिफिकल्ट हुंदा। तो ये मतलब एक तो कल्टिश बंदे आ, इन्होंने कल्ट क्रिएट कर लिया, जिहड़ा कल्ट ते धर्म दा एक फर्क हुंदा, मैं अपने स्रोतियां नूं थोड़े स्रोतियां नूं दसना चाहुंदा, जिहड़ा धर्म आ उह मानवता नूं रब नाल जोड़दा, रब नाल ते रब दीआं जिहड़ीआं वरकतां उहनां दे नाल जोड़दा, रब दे जिहड़े भलाई दे मतलब डायमेंशनज आ उहनां दे नाल इंसान नूं जोड़दा। तां लेकिन जिहड़ा कल्ट हुंदा वो आदमियों नूं अपने नाल परसनल कल्ट परसनैलिटी दे नाल जोड़दा, केजरीवाल साहब ने एक ऐसा कल्ट क्रिएट कर लिया है जिस दे नाल लोकां नूं इस किस्म दी मोटिवेशन च पा लिया, इस किस्म दे चक्कर च पा लिया कि वह केजरीवाल केजरीवाल। हुण भी मैं देखदा कहिंदे जी पंजाब दी जिहड़ी इलेक्शन दे रिजल्ट आ जां उस तों बाद जिहड़ी हुकूमत बनाउण वाली आ केजरीवाल भगवंत मान, भगवंत मान नंबर 2 ते आउंदा कहण दे विच वी, मुहावरे विच वी, सुण दे विच वी। तो इस करके केजरीवाल साहब दा इह कल्ट जिहड़ा है इह बड़ा जबरदस्त है और इस ते बहुत डीप रिपरकशनज होणगे पंजाब दी सियासत दे लई, और खास तौर पर एक वर्ग के लोगों जिस तरह हुण प्रोफेसर दविंदरवाल सिंह दा जिहड़ा मतलब जो भी उहदी विचारे दी रिहाई दा मसला है, किस तरीके दे नाल केजरीवाल साहब नू टाल मटोल कर रहे, किस तरीके नाल बगैर बोले तो, और कई वारी जरूरत हुंदी है बोलण दी, केजरीवाल साहब बोलते भी नहीं, उन्हां दी चुप दे विच भी बहुत कुछ छुपया हुंदा। तो इस किस्म की हुण देखो UP दे विच भी इलैक्शन लड़ रहे हैं, UP दे विच पिछे जे 7-8 दिन हो गए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, दूजे सारे लीडरां ने भी दी, मतलब योगी जी ने भी दी, दूसरे पार्टियां दे लीडरां ने भी दी, इन्हां ने की स्टेटमेंट दी भी ये इलेक्शन नहीं ये रेवोल्यूशन है, उन्होंने तो कहा भी असी जितन जा रहे हैं, दूजिया पार्टिया के लीडर ने कहा।
असी दूजे हारना जा रहे असी इनिया सीटा लवेंगे दूजे इनिया उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट सी इन्हों की स्टेटमेंट बड़ी सटल स्टेटमेंट सी भी ये रेवोल्यूशन है ये रेवोल्यूशन के जोड़े ऑब्जेक्टिव भी बड़े हायर होंगे है उन्होंने मोटिवस भी बड़े हायर उन्होंने वो नहीं एक्सप्रैस किए तो मेरा कहन का मतलब यह है केजरीवाल साहब की हर जड़ी स्टेटमेंट होंगी आ हर जड़ी उन्हों की गल होंगी बहुत कुछ छिपया हुआ हों जिसनों डी कोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि असी उस उन्हों की परसनैलिटी समझ सकी उन्हों की परसनैलिटी तो योगिंदर यादव वर्गे जोड़े बड़े इंटैलीजेंट बंदे आ वो नहीं समझ सके कुमार विश्वास नहीं समझ सकिया डॉक्टर गांधी नहीं समझ सकिया इस तरीके मैं तुम्हें उन्होंने प्रशांत भूषण जी की गल दसी है किडे सुप्रीम कोर्ट के टॉप वन ऑफ द टॉप लॉयर्स है वो नहीं बेचारे समझ सके तो मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब के लोग सुचेत हो जाओ तुसी हुण एक इस किस्म के आदमी नूं डील करन जा रहे हो जिहदियां जड़ां बहुत ज़्यादा डूंघियां उस दी हर गल दे बहुत वड्डे मतलब ते डूंघे मतलब होणगे तो इस करके मैं आप जी नूं सुचेत कर रहा कि इस किस्म का धोखा ना खा जाओ कि दोबारा उठण जोगी ना तुसी रहो तो मैं जिवें दस रहा सी जिहड़ा कल्ट है अमेरिका दे विच कल्ट आ एक उन्हूं कहिंदे सी हैवनस गेट देखो कितना खूबसूरत नाम है हैवनस गेट स्वर्ग दा रस्ता तो वो गोरियां दा ही कल्ट सी जिहड़ा उन्हां दा लीडर सी वो अपने फॉलोअर्स नूं कहण लग्या भी तुसी खुदकशियां कर लो भाई क्योंकि तुसी हैवनस गेट तुसी स्वर्ग दे दरवाजे च जाना तो खुदकशियां कर लो वो लोग इतने ब्लाइंड फॉलोअर सी अपने लीडर दे कि वो खुदकशियां करन लग गए एक दो तीन 80 तक पहुँच गए जो 80 तक पहुँचे सारे मुल्क दे सारे अमेरिका च राम रौला पै गया तो उस तो बाद उन्होंने उस बंदे नूं पकड़ के उसनूं सजाए मौत दिती ताकि लोगों तो उसका खेड़ा छुड़ाया जा सके तो इस करके इस किस्म के होर पीपल्स टैंपल एक इस किस्म की होर अमेरिका दे विच सी तो आपां पंजाब च भी देखते हैं पंजाब तो बाहर भी देखते हैं दूसरे मुल्क जापान दे विच इस किस्म के बहुत बहुत कल्ट है होए भी आ तो मेरा मतलब कहने का यह है कि ये बहुत शातर दिमाग इंसान है ये मतलब इसनों समझना बड़ा मुश्किल है बड़ा औखा बड़ा डूंगा इंसान है इसकी हर गल का कोई ना कोई मतलब जरूर होंदा तो मैं पंजाब दे लोकां नूं सुचेत करन जा रहा कि तुसी आने वाले एक दो दिन विच किस आदमी दे नाल तुहाडा वास्ता पएगा उस तो थोड़ा सुचेत हो जाओ सावधान हो जाओ जे अपनी बचत कर सकते हो तो बचत करने की कोशिश करो बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी